नमस्कार छात्रों, आज हम पावर जनरेशन विषय में पावर प्लांट इकोनॉमिक्स का फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस एंड टाइप ऑफ पावर प्लांट्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन विषय के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ जनरेशन। हम किस प्रकार का पावर प्लांट यूज करेंगे इसके लिए निम्नलिखित फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला आता है किस प्रकार का फ्यूल हमें अवेलेबल है और उसके लिए सूटेबल साइट्स। अगर हम हाइड्रो पावर जनरेशन करते हैं तो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या है, कितनी लैंड रिक्वायर्ड है, फाउंडेशन कॉस्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कूलिंग वाटर, किस प्रकार का लोड पावर प्लांट द्वारा लिया जाएगा, पीक लोड या बेस लोड, रिलायबिलिटी इन ऑपरेशन, प्लांट कितना रिलायबल है कंटिन्यूस पावर जनरेशन के लिए, प्लांट की लाइफ कितनी हमें आवश्यक होती है और कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग द एनर्जी। जो पावर जनरेशन का यूज होता है वो यहाँ से कितनी दूर है, इन सब बातों के ऊपर किस प्रकार का पावर जनरेशन हम करेंगे वो निर्भर करता है। कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन में पावर प्लांट इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम अगर बॉयलर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें किस प्रकार का फ्यूल ब्रंट करना है, कैसा लोड है, कितनी फ्यूल की कॉस्ट है और हीट रिक्लेमिंग इक्विपमेंट लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, इन सब बातों पर निर्भर करेगा। और बॉयलर की कॉस्ट जो है, कैसा बॉयलर है, उसका ऑपरेटिंग प्रेशर कितना है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है, कैसी फायरिंग हमें करनी है और क्या इफिशियंसी हमें चाहिए, इन सब बातों पर निर्भर करेगा। हीट रिक्लेमिंग इक्विपमेंट जैसे कि इकोनोमाइजर है, एयर प्री हीटर है, ये सब हमें बॉयलर के साथ में प्रोवाइड करना चाहेंगे। इनसे इफिशियंसी बॉयलर की जो है इकोनोमाइजर या प्री हीटर से लगभग 75% से 90% बढ़ जाती है। इसी तरह से बॉयलर का अगर प्रेशर बढ़ता है तो इससे बॉयलर के ड्रम, बॉयलर की ट्यूब, हेडर, इकोनोमाइजर और दूसरी एक्सेसरी की कॉस्ट बढ़ती है। ज़्यादा टेम्परेचर होने से सुपर हीटर की कॉस्ट भी बढ़ती है और उसके लिए स्पेशल अलॉय स्टील लगाना पड़ता है। हाई प्रेशर रखना है तो फोर्स सर्कुलेशन की भी ज़रूरत रहती है। ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। हालांकि इनसे इफिशिएंसी भी बढ़ती है तो साथ साथ में कॉस्ट भी बढ़ती है, तो इन दोनों का बैलेंस हमें रखना पड़ता है। कोल फायरिंग का जो मेथड है वो भी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है। स्टोकर फायरिंग सामान्य तौर पे पुलवराइजिंग फायरिंग से कम कॉस्टली होती है। इकोनोमाइजर की बॉयलर जो इफिशिएंसी 4 से 10% बढ़ जाती है और एयर प्री हीटर से 6 से 8% बढ़ जाती है। एग्जास्ट गैसेज को 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमें कूल नहीं करना चाहिए। इस टेम्परेचर से नीचे कूल करने पर मॉइस्चर का कंडेंसेशन हो जाता है और जो SO2 के साथ में जब मिक्स होती है मॉइस्चर तो H2SO4 का फॉर्मेशन होता है जो कि इक्विपमेंट्स के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार हम बॉयलर के इक्विपमेंट की साइज भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है प्लांट चॉइस के साथ साथ में उसके इक्विपमेंट्स को सिलेक्ट करने में। प्राइम मूवर, हम किस प्रकार का प्राइम मूवर यूज करेंगे उसके लिए डेली लोड कर, पीक लोड कर और फ्यूचर में किस प्रकार का लोड आना है, इन सब चीज़ों का ऊपर ध्यान देंगे। प्राइम मूवर डीजल इंजन हो सकता है, स्टीम इंजन हो सकता है, स्टीम टरबाइन हो सकता है, गैस टरबाइन हो सकता है और वाटर टरबाइन हो सकता है।
इन सब की कीमत जो है प्रारंभिक कीमत भी होती है, फ्लोर स्पेस है, अलग अलग इफिशियंसी होती है, इन सब बातों को ध्यान में रख के हम प्राइम मूवर का चूज करते हैं। सेंट्रल पावर स्टेशन के लिए स्टीम टरबाइन ही बेस्ट रहता है। डीजल टरबाइन इंजन अगर काम में लेते हैं तो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है और कीमत भी कम है, इसमें लेबर भी कम लगती है और प्रारंभिक लागत भी कम है। परंतु डीजल जो फ्यूल कॉस्ट है वो एकमात्र ऐसा कारक होता है जिसके कारण हम कोयले द्वारा आधारित तापीय ऊर्जा से ही और बॉयलर से भी को स्टीम जनरेशन के लिए काम में लेते हैं और स्टीम टरबाइन से पावर जनरेशन करते हैं। डीजल इंजन को हम सामान्य तौर पे स्टैंड बाई प्लांट्स के रूप में काम में लेते रहे। जहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा है और काफ़ी हेड पे यानी काफ़ी ऊंचाई पे पानी मिलता है तो वहाँ हम हाइड्रो पावर प्लांट्स काम में लेते हैं। नदियाँ जहाँ पे कि नेचुरल फॉल हो और वहाँ पर भी हम वाटर टरबाइन काम में ले सकते हैं लो हेड वाले। हाइड्रो पावर प्लांट की मेंटेनेंस सबसे चीप होती है। एक और बात आती है चॉइस और टाइप ऑफ पावर प्लांट के अंदर कि किस प्रकार के हम जनरेटिंग यूनिट और किस साइज की जनरेटिंग यूनिट सेलेक्ट करेंगे। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हमारी प्रयास ये रहेगा कि मिनिमम जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो प्लांट की मैक्सिमम डिमांड से मुकाबले ज़्यादा होनी चाहिए, यानी जितनी हमें मैक्सिमम डिमांड होती है उससे प्लांट की मिनिमम जनरेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और उसके अनुसार ही हम नंबर ऑफ यूनिट्स इस प्रकार चूज करते हैं कि उनकी टोटल कैपेसिटी मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा हो। पावर स्टेशन पे लोड कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है और वेरिएबल डिमांड के लिए ये डिजायरेबल होता है कि हम एक बड़ी यूनिट चूज न करके अलग अलग यूनिट रखें जिससे कि जैसे आवश्यकता हो उसके अनुसार उतनी संख्या में हम यूनिट ऑपरेट कर सकें। इसके लिए निम्न बिंदु महत्वपूर्ण है। हम इस प्रकार से नंबर ऑफ साइज यूनिट्स और उनकी साइज डिसाइड करें कि जो लोड कर्व के अनुसार वो फिट हो सकें और उसमें प्लांट की कैपेसिटी को हम इफिशियंटली यूज कर सकें। एक्स्ट्रा स्पेयर कैपेसिटी वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे कैपिटल कॉस्ट बढ़ती है। मुख्य उद्देश्य विभिन्न कैपेसिटी की यूनिट रखने का ये होता है कि वो उचित प्रकार से लोड कर्व में फिट हो जाएं और जब भी हम उन ऑपरेटर्स को प्रयोग में लाएं तो वो अपनी फुल कैपेसिटी में यूज में आएं। यह एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कर्व बताए गए हैं कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे मटेरियल कॉस्ट का कर्व बताया गया है, इंजीनियरिंग एंड लेबर कॉस्ट है, इनकी टोटल कॉस्ट भी बताई गई है और यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन कैपेसिटी, ये देख रहे हैं हम। तो कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ में यूनिट कॉस्ट कम होती है। यूनिट प्राइस डिक्रीजेज एज द कैपेसिटी ऑफ मशीन इंक्रीजेज। यही कारण होता है कि हम बड़ी साइज की जनरेटिंग यूनिट पावर प्लांट में काम में लेते हैं। चित्र में ये सब कर्व दिखाए गए हैं। निम्नलिखित बिंदु ध्यान में रखने योग्य हैं। अगर यूनिट की कैपेसिटी बढ़ती है तो उसके साथ में लेबर और इंजीनियरिंग कॉस्ट स्लाइटली बढ़ती जाती है पर यूनिट के लिए। मटेरियल कॉस्ट जो है
शुरू में बढ़ती है लेकिन उसके बाद में डिक्रीज होती है। टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो मेटेरियल कॉस्ट कर्व जैसा ही पैटर्न होता है। टोटल कॉस्ट कर्व शो द पॉजिटिव इंटरसेप्ट एट जीरो कैपेसिटी, यानी जीरो कैपेसिटी पे भी हमें इंजीनियरिंग और लेबर कॉस्ट लगानी पड़ती है, और जो डॉटेड कर्व है वो शो कर रहा है कि कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ में यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है। जो बड़ी इकाइयां हैं उन्हें हमें हमेशा हाई लोड फैक्टर पे रन करना चाहिए, लगभग 0.8 या उससे ऊपर। तो ये थे इक्विपमेंट्स के सिलेक्शन इकोनॉमिक्स, पावर प्लांट इकोनॉमिक्स के लिए। और अब किस प्रकार का प्लांट सुटेबल होता है विभिन्न परिस्थिति के लिए, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जब हमने टाइप ऑफ ड्राइव डिसाइड कर ली, स्टीम, गैस, डीजल या वाटर पावर, जो कि चीप फ्यूल या वाटर रिसोर्सेज पे निर्भर करता है, इसके साथ में हम जो उस प्लांट को सिलेक्ट करेंगे जो कि लोवेस्ट यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देगा। सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स में जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बड़े साइज के प्लांट्स के साथ में बढ़ती है। अतः यह डिजायरेबल है कि प्लांट उच्च भार गुणांक पर ऑपरेट हो और उसकी साइज भी बड़ी हो। प्लांट की साइज बढ़ने के साथ साथ में उसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। हालांकि बड़े प्लांट के लिए हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ लोअर देन ऑप्टिमम लोड फैक्टर भी बड़े प्लांट के साथ में बढ़ जाती है। अब हम अलग अलग प्लांट का विश्लेषण करेंगे। स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट के अंदर थ्रोटल प्रेशर और टेम्परेचर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए। इसके लिए हम थ्रोटल प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने से एफिशिएंसी तो बढ़ती है लेकिन कैपिटल कॉस्ट भी उसके साथ साथ में बढ़ती है, तो दोनों का बैलेंस रखते हैं। अगर हम 10 मेगावाट या उससे कम की कैपेसिटी हो तो थ्रोटल प्रेशर और टेम्परेचर का बेनिफिट कोई ज़्यादा अपेरेंट नहीं होता है। अतः वहाँ पे हम इक्विपमेंट की कॉस्ट को ध्यान में रखेंगे। इफिशिएंसी, जो थर्मल इफिशिएंसी है वो और बढ़ सकती है अगर हम रीहीटिंग और रीजनरेशन काम में लेवें, लेकिन इसके लिए भी वही बात आती है कि जब वो इक्विपमेंट और लगाएंगे तो उनकी कैपिटल एंड रनिंग कॉस्ट होगी। इसलिए हम जो है सारी इकोनॉमी को कंसिडर करते हुए ही हीट रिक्लेमिंग डिवाइसेज जैसे एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, रीहीटिंग और रीजनरेशन काम में लेंगे। आईसी इंजन प्लांट्स, आईसी इंजन प्लांट्स में सामान्य तौर पे डीजल इंजन काम में लेते हैं और कंप्रेशन रेशियो बढ़ने पर इफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है जिसके लिए हैवियर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। फोर स्ट्रोक या टू स्ट्रोक इंजन कौन सा काम में लेता है वो भी डिपेंड करता है। हालांकि फोर स्ट्रोक जो है उसकी थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है लेकिन टू स्ट्रोक इंजन हल्का होता है और उसकी कीमत कम होती है। हम सुपरचार्जर का प्रयोग भी कर सकते हैं अगर उससे एफिशिएंसी
इंजन की बढ़ती हो, इंजन का पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हो। गैस टरबाइन पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट में इंटरकूलर, रीजनरेटर और रीहीटर यूज करने पर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन इससे गैस टरबाइन पावर प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ती है और इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, इसलिए हम इनका प्रयोग गैस टरबाइन पावर प्लांट के अंदर जस्टिफाइड है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल स्टेशन के मुकाबले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। जहाँ पे पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है तो वहाँ पे हम थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट्स को पीक लोड या कुछ विशेष परिस्थितियों में मेन लोड के रूप में काम में ले सकते हैं। कैपिटल कॉस्ट पर यूनिट इंस्टॉल ज़्यादा होगी अगर पानी की क्वांटिटी कम है। अगर वाटर स्टोरेज बड़ा होगा, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ये कॉस्ट कम हो जाएंगी। इसलिए हम डैम की ज़्यादा ऊंचाई वाला डैम बनाते हैं जिससे कि सेम इंस्टॉल कैपेसिटी में ही कैपिटल कॉस्ट कम हो जाती है। कुछ हाइड्रो पावर प्लांट ऑटोमेटिक या रिमोट कंट्रोल होते हैं जो कि ऑपरेटिंग कैपेसिटी कॉस्ट को और कम कर देते हैं। हम हाइड्रो स्टीम पावर प्लांट के इंटरकनेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं जिनसे उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। हाइड्रो स्टीम और डीजल पावर प्लांट की जो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ टेबल में दी गई हैं। प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर प्लांट में डिफिकल्ट होता है, लंबा समय लेता है। स्टीम पावर प्लांट आसान होता है और डीजल पावर प्लांट उससे भी आसान होता है। सिविल वर्क की कॉस्ट हाइड्रो पावर प्लांट में हाईएस्ट होती है और डीजल पावर प्लांट में लोवेस्ट होती है। रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, जो टोटल जनरेशन की रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 1/10 है, जबकि स्टीम प्लांट में 1/7 है और डीजल प्लांट में 1/6 है। ओवरऑल जनरेशन कॉस्ट हाइड्रो प्लांट के अंदर मिनिमम होती है और डीजल प्लांट में हाईएस्ट होती है, स्टीम पावर प्लांट में बीच के रहता है। रिलायबिलिटी जो है डीजल पावर प्लांट की सबसे ज़्यादा होती है, हाइड्रो पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट की ठीक ठाक होती है। जो हम दो तरह के प्लांट को जहाँ पे इंटरकनेक्ट करते हैं उनके निम्नलिखित फायदे होते हैं। सप्लाई में रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, इंस्टॉल कैपेसिटी में जो है कम करनी पड़ती है, ऑपरेशन इकोनॉमिक होता है, सेविंग ऑपरेशन में भी सेविंग होती है और लो कैपिटल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। और कंबाइंड सिस्टम के अंदर हम पीक लोड्स आसानी से ले सकते हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान में रखते हुए हम, इन सारे घटक का ध्यान में रखते हुए हम किसी भी किस प्रकार का पावर प्लांट काम में लेना है और कौन सा पावर प्लांट काम में लेना है, ये सब हम उससे चुनाव करेंगे। धन्यवाद।